हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया मेरे कोई वीडियो आपको नहीं मिली, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं आउट स्टेशन चला गया था लॉन्ड्री की ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं आज फिर आ गया हूँ और मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि आप व्हाइट कपड़े को और ज़्यादा व्हाइट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि व्हाइट कपड़े तो आप वॉश कर देते हैं, लेकिन उसका पीलापन आप नहीं हटा पाते हैं। तो अगर आप इस व्यवसाय में हैं या घर में, आप ये दो मटेरियल की मदद से आप व्हाइट कपड़ों में जान ला सकते हैं। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, हमें दो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। पहला इंग्रेडिएंट है, आप ये देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं पिंकी या पोटेशियम परमैंगनेट, या व्यवहारिक भाषा में इसको लाल दवा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका रेशियो यह है कि 1 लीटर पानी में 1 पिंच, यानी 1 चिटकी। तो आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन ये मेरे पास ये 2 लीटर के आसपास ये पानी है और मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे पानी एकदम वाइट है। अब जैसे ही मैं इसको डालूँगा, आप देखिए इसका रंग चेंज हो रहा है अब ये दानेदार होता है क्रिस्टल फॉर्म में। और इसको पूरा आप घोल दीजिए। देखिए ये पानी एकदम से गुलाबी सा दिख रहा है, मेजेंटा कलर में। ये हमारा एक घोल तैयार हो गया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कपड़ा देखिए वाइट कपड़ा है, लेकिन ये देखिए इसमें कुछ आपको पीलापन दाग दिख रहा होगा, कुछ दाग धब्बे हैं। ये मैंने ऐसे ही डेमो बनाने के लिए ये वीडियो में ये टॉवल लिया है। ये हैंड टॉवल है या मल्टीपर्पज़ टॉवल, आप इसमें देख सकते हैं कुछ दाग धब्बे भी हैं। अब इसको मैं इसमें डुबाऊंगा, सूखा कपड़ा है, इसको मैंने इसमें डुबा दिया। एक वाइट रुमाल भी है, इस पर भी कुछ दाग धब्बे हैं, आप पीलापन का दाग दिख पा रहे होंगे। इसको भी मैंने इसमें डुबा दिया। और एक वाइट कपड़ा है ये भी, इसको भी मैंने इसमें डुबा दिया। डुबाते ही आपका कपड़ा एक तरह से गुलाबी सा हो जाएगा। आप ये देख पा रहे होंगे इसका कलर एक तरह से गुलाबी सा हो गया, यानी कि ये कलर एक तरह से कच्चा डाई हो गया गुलाबी कलर में। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपका कपड़ा ख़राब नहीं हुआ है, धैर्य रखिए। दूसरा स्टेप देखेंगे तो आप कहेंगे क्या मैजिक है। आप ये देखिए, ये कपड़े के दाग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको इस घोल में कपड़े कितनी देर रखना है। इसका रेशियो है कि जितनी देर आप इस घोल में रखेंगे उतनी देर आप दूसरे घोल में भी रखेंगे। तो मैं वीडियो बनाने के लिए मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन 15 मिनट आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। मेरा ये घोल तैयार हो गया। दूसरा मैंने ये केवल प्लेन वाटर है और ये केमिकल है, आपको पता होगा लॉन्ड्री बिजनेस में इसको हाइड्रो बोलते हैं या व्यवहारिक भाषा में रंग काट बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, तो आपको घोल बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ये 2 लीटर में पानी में तकरीबन इतना आप ले लीजिए। आप ये घोल बना लीजिए। इसमें आप लोग इस केमिकल से परिचित हैं मुझे पता है, हाइड्रो सल्फाइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो सल्फाइड इसका केमिकल नाम है, और व्यवहारिक भाषा में रंगकाट या शॉर्टकट में हाइड्रो बोलते हैं। ये मैंने इसमें घोल में डाल दिया, ये घोल बन गया आपका। आइए अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, पहले वाले पे। अब ये देखिए कपड़ों का रंग कैसा होगा।
पूरी तरीके से कपड़ों का कलर चेंज हो गया है। व्हाइट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको, क्यों दोस्तों? व्हाइट तो नहीं कहेंगे ना, व्हाइट तो इसको एकदम नहीं कहेंगे। अब मैं तुरंत बना रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसमें 15 मिनट इस घोल में आपको रखना होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट के घोल में या पिंकी में। अब जैसे ही मैं इसमें डालूँगा, आप देखना कलर इसका, आप देखिए आप देख पा रहे होंगे हाइड्रो ने इसके रंग को पूरी तरीके से हटा दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप हाइड्रो प्रयोग करते होंगे तो अभी गंध सी आती है रिएक्शन की वजह से। तो दोस्तों आपने देखा इसका चेंज, आप ये देखिए इसकी व्हाइटनेस कुछ हुई है, लेकिन मैं ज़्यादा समय तक नहीं रखा है तो इसलिए वो जैसा रिजल्ट चाहिए अभी वो आपको। तो दोस्तों आपने देखा ये प्रैक्टिकल, इस तरीके से आप अपने व्हाइट कपड़ों को और ज़्यादा व्हाइट कर सकते हैं और कपड़ों पर से कुछ हल्के फुल्के दाग धब्बे या पीलापन बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको और दिखाना चाह रहा था कि जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है और जिस तरीके से हम इसमें पानी डाल रहे हैं आप देखिए किस तरीके से व्हाइट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट में के घोल में कपड़ों को डालते हैं तो इसका गुलाबीपन कपड़ों पे आ जाता है, लेकिन जब ये हाइड्रो का हम प्रयोग करते हैं तो गुलाबी रंग को हटाते समय कपड़ों का पीलापन भी इस हाइड्रो की मदद से हट जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्त मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।